दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए जद्दोजहद जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने विश्व आयुर्वेद दिवस पर खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने गुजरात के जामनगर और राजस्थान के जयपुर में दो आयुर्वेद केंद्रों के ऐलान के साथ बताया कि WHO भारत में पारंपरिक दवाओं के ग्लोबल सेंटर की स्थापना करेगा। पीएम ने कहा, इससे पारंपरिक औषधियों के रिसर्च में देश को मजबूती मिलेगी। खबर है कि कोरोना के इलाज में सबसे सफल मानी जाने वाली फाइजर की वैक्सीन में भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। बताया गया है कि इस वैक्सीन के पहले शॉट लेने वाले कुछ लोगों ने तेज सर दर्द, बुखार और मांसपेशियों में दर्द जैसी शिकायतें दर्ज करवाई हैं। बता दें कि फाइजर ने इस वैक्सीन के टेस्ट के लिए 6 देशों में 44,000 लोगों को वॉलंटियर के तौर पर भर्ती किया है। हाल ही में कंपनी ने दावा किया था कि शुरुआती जांच में वैक्सीन को कोरोना के इलाज में 90% तक सफल पाया गया। दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भारत के लिए खुशखबरी है। बताया गया है कि संस्थान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की संभावित कोरोना वैक्सीन की 4 करोड़ डोज तैयार कर ली गई है। इतना ही नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिकी कोरोना वैक्सीन नोवैक्स की भारत में टेस्टिंग की तैयारी भी कर ली है। इसके लिए बस नियामक संस्था की मंजूरी का इंतजार है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपयों का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, हम कोविड-19 टीके पर शोध और उसके विकास के लिए 900 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा रहे हैं। ये कोविड सुरक्षा मिशन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए है। लेकिन ये राशि अनुसंधान कार्यों के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पास जाएगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।